PGTA, प्रीजेनेटिक टेस्टिंग। तो जब हम IVF का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत से एम्ब्रियोज बनते हैं जिसमें, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, प्रीजेनेटिक टेस्टिंग। इसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन देकर जो फीमेल होता है उसके अंदर बहुत से फॉलिकल्स बनाए जाते हैं और फिर वो फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। बट उसमें क्वेश्चन मार्क रहता है कि कौन सा एम्ब्रियो अच्छा होगा कौन सा नॉर्मल होगा। तो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी डिसाइड करते हैं, जैसे 3AB, ट्रोफेक्टोडर्म और इनर सेलमास देख के एम्ब्रियोज को ग्रेड किया जाता है। और एम्ब्रियो सेलेक्शन उनके ग्रेडिंग के बेसिस पे होता है, 16 सेल एम्ब्रियो ब्लास्ट, अर्ली ब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और बहुत बार तो ऐसा होता है लो ग्रेड के जो एम्ब्रियोज रहते हैं वो प्रेगनेंसी दे देते हैं, और जबकि अच्छी ग्रेड वाले होते हैं उसमें भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं जैसे कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें जो एग होता है स्पर्म उससे मिलके जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन फीमेल और मेल के 46 क्रोमोसोम्स, तो उसमें कौन सी एबनॉर्मेलिटी रहती है, DNA कौन सा मिस होता है, तो वो टेस्ट किया जाता है। तो DNA होता है, DNA से जीन्स बनता है और जीन्स से क्रोमोसोम्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सन हो गया लाइब्रेरी, और क्रोमोसोम्स लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो, और जीन्स बुक्स में जो सेंटेंसेस है, और DNA जो ईच लेटर है वो। और 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम मेल 23 फ्रॉम फीमेल, ये होते हैं यूप्लॉइडी। और इन दोनों की कॉपी से मिलके क्रोमोसोम बनता है एक। एक क्रोमोसोम होता है, वन साइड होती है एग की और एक साइड होती है स्पर्म की। और जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम XX होता है फीमेल का और XY होता है मेल का। और PGT के थ्रू जो क्रोमोसोम एरर्स रहते हैं उसमें कोई वन साइड भी हो सकता है और या फिर टू साइड्स भी हो सकता है। बहुत बार जो नेगेटिव प्रेगनेंसी रहती है या मिसकैरेजेस रहते हैं वो बहुत, या तो बहुत सारे या कुछ क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से रहते हैं, जिसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइड। और एग और स्पर्म में बहुत बार जो एज या तो 35 या उससे कम में जो फीमेल्स रहती है उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। हम लोग IVF के थ्रू बहुत से एग्स रिट्रीव करते हैं और फिर उसमें हम लोग PGT के थ्रू बैड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें चेक करके उन्हें हटा देते हैं और जो बाकी के रहते हैं वो फ्रीज करते हैं। ये होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग एन्यूप्लॉइडी के लिए, या PGTA जो कि मदर टंग है, PGTA प्री जेनेटिक टेस्टिंग एनालिसिस, या फिर PGS या CCS। जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं day 3 पे, वो उन्हें day 5 तक हम ब्लास्ट डेवलप होने के बाद पर्टिकुलर एक एक ब्लास्ट का हम लोग ट्रोफेक्टोडर्म से बायोप्सी करके सेल लेते हैं और उसे एलिकॉट में फिल करके, और फिर जो एम्ब्रियोज रहते हैं उन्हें हम -196 डिग्री में फ्रीज कर देते हैं। और जो बायोप्सी किए हुए सेल्स होते हैं वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाते हैं जेनेटिक लैब में, जहाँ एम्ब्रियोज की क्रोमोसोम्स की टेस्टिंग होती है। और फिर जो रिपोर्ट आती है उससे हम लोग जज कर सकते हैं कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। तो जो नॉर्मल होता है वो जब भी पेशेंट का ट्रांसफ़र करते हैं तो वो नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा जाता है। जो PGTA है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिस और उसमें बहुत बार तो ऐसा होता है PGTA में जो हम लोग देखते हैं उसमें बहुत बार गलत रिजल्ट्स भी आता है। बट जो PGTA करने के बाद जो नॉर्मल एम्ब्रियो रहता है ना उसमें कोई गारंटी नहीं रहती कि प्रेगनेंसी रहेगी या फिर कोई मिसकैरेज नहीं होगा। जो प्रेगनेंसी रेट्स रहती है PGTA के बाद यूप्लाइड एम्ब्रियोज की, वो 60-70% रहती है। और जब जो भी नॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं उसका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है थॉ करके फिर। और जो PGTA है वो वुमेंस जो 37 या 38 से ज़्यादा है उनके लिए बेनिफिशियल है PGTA टेस्टिंग। और पॉजिटिव प्रेगनेंसी आने के बाद भी प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है, जिसे मतलब ये इसलिए किया जाता है कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि PGTA का जो टेस्ट किया था हमने एम्ब्रियोज का वो गलत हो, तो इसलिए। और PGTA इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि हमें आइडेंटिफाई करा सकता है कि एम्ब्रियोज यूप्लॉइडी जो है वो नॉर्मल है कि नहीं।